इंडियन नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिकग्नाइज किया है और रिकग्निशन ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जम्मू कश्मीर में हमें मानवाधिकार को दबाने के लिए आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट मौजूद है। हजारों नौजवान जम्मू कश्मीर में जेलों में बंद हैं विदाउट ट्रायल और हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का आप पता कीजिए ये डायरेक्टरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अधीन है या ये जम्मू कश्मीर के आयन के अधीन है जबकि जम्मू कश्मीर के आयन का पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का आयन है भी या नहीं है। वो सब्जेक्ट लगे मैं आज आपके सामने ये रखे हैं ये है कि हमारे पैंथर पार्टी की हमारी अपील है राष्ट्रपति से। मैंने कल ही राष्ट्रपति जी के हाँ टेलीफोन करके दिल्ली में उनको भेजा था और कॉपी हमने भेजी है एलजी जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोविंशियल पॉलिटिकल पार्टी जो रिकग्नाइज भी नहीं है दी गई है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इमीडिएट सिक्योरिटी सिक्योरिटी द लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी इन लद्दाख कश्मीर इन जम्मू और डेट पूरी जारी की है पूरे नाम भी हैं सभी के नाम है एड्रेस भी हैं टेलीफोन नंबर भी है जी सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी पूछ लेता हूँ यार प्रेसिडेंट भी शामिल है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है जिसमें जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भी शामिल है उनको सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि पैंथर्स पार्टी रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी है अनरिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी दिल्ली की प्लांटेड पोलिटिकल पार्टी आरएसएस की बैड पोलिटिकल पार्टीज को आप गगन में छिप दे रहे हैं आप जानते हैं कौन है और ये जंग जो है हक इंसाफ की जंग करबला की तरह लड़ जाएगी महाभारत की तरह लड़ जाएगी रामायण की तरह लड़ जाएगी ये हक इंसाफ की जंग लड़ेगी पैंथर पार्टी।